हमारा ये गाना भी फ्लॉप हो गया। सर डोंट वरी, फ्लॉप और हिट तो लगा ही रहता है। देखना सर, एक दिन आपका सारा गाना ट्रेंडिंग में चलेगा। पर वो दिन कब आएगा मिमिता? पिछले 6 महीनों से मेरा हर एक गाना फ्लॉप हो रहा है। क्या मैं अच्छा सिंगर नहीं हूँ? नहीं सर, आप बहुत अच्छे सिंगर है। क्यों ना सर हम किसी और सिंगर से गाना रिकॉर्ड करवाए? That's a good idea. फिलहाल तो अभी मार्केट में शिवानी का नाम चल रहा है। Yes sir. सुमिता, एक काम करो, शिवानी से मेरा अपॉइंटमेंट फिक्स करो। Okay sir. मेरे मैनेजर से तो आपकी बात हो ही गई होगी। Yes, but Mr. Rahul, आपके मैनेजर मुझे एक गाने के सिर्फ 5 लाख दे रहे हैं, और ये थोड़े कम नहीं हो गए? शिवानी इतने कम पैसे में गाना नहीं गाती। मिस शिवानी, 5 लाख रुपए बहुत ही बड़ी रकम होती है। मिस्टर राहुल, शायद आप भूल रहे हैं, अभी मेरा गाना ट्रेंडिंग में चल रहा है और चारों तरफ मेरे ही चर्चे चल रहे हैं, और आप चाहते हैं कि मैं 5 लाख में आपका गाना गाऊं? तो बताइए, आप एक गाने का कितना चार्ज करते हैं? ये मेरा मैनेजर बताएगा कि मैं एक गाने का कितना चार्ज करती हूँ। मैनेजर, इन्हें बताओ कि मैं एक गाने का कितना चार्ज करती हूँ। हमारे मैम एक गाने का 15 लाख रुपए चार्ज करते हैं। 15 लाख रुपए? ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? मुझे लगता है आपके बजट में शिवानी नहीं आ सकती। एक काम करिए, रास्ता उधर है। Get out, कोई सस्ता सिंगर ढूंढ दो। थोड़ा फीलिंग आधा रख ली ध्यान वे, कर ना के तू एक एहसान वे, ये उम्मीद कदे साथ। बड़े आए थे 5 लाख में शिवानी को खरीदने। उस शिवानी ने मुझे गेट आउट बोला, मुझे? वो जानती नहीं है मैं कौन हूँ। मैं राहुल बिश्वास हूँ, एक राइटर हूँ, एक सिंगर हूँ, एक मॉडल हूँ। 2 दिन की आई हुई सिंगर। सर। हम्मी बोलो, सारे सिंगर से बात हो गए? जी सर, मैंने सारे सिंगर से बात कर लिया है, सबने मना कर दिया है, और आपका गाना रिकॉर्ड करने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। सबने मना कर दिया? तो अब हमारा गाना गाएगा कौन? सर एक लड़की है। आज तो कोई है भी नहीं, क्या करूं? घर चली जाओ? नहीं नहीं, पैसों की भी जरूरत है, क्या करूं? चल शुरू हो जा, वो लड़की आ रही है। सारे सिंगर से बात कर लिया है, पर कोई सिंगर गाने रिकॉर्ड करने के लिए तैयार ही नहीं है। अब मैं सर को जाके क्या बोलूं? मैडम जी, गाना खत्म हो गए। तुम गाना बहुत अच्छा गाती हो। धन्यवाद।
थोड़ा फीलिंग आधा रख ली ध्यान वे करे ना के तू एक एहसान वे ए उम्मीद कदे साथ इतने सारे पैसे हाँ रख लो आपकी बहुत बहुत मेहरबानी मैडम आपकी बहुत बहुत मेहरबानी गाना बहुत अच्छा गाती है अंबिका अंबिका बाहर निकल अंबिका जल्दी बाहर निकल अंबिका यहाँ बैठ अंबिका ये देख आज गाना गाने के बाद ना एक भले लड़की ने ना मुझे इतने सारे पैसे दे दिए देखना एक दिन मैं ना ऑपरेशन के लिए सारे पैसे इकट्ठे करूँगी और तेरा ऑपरेशन करवाऊँगी फिर तू बोल पाएगी और मुझे कहेगी दीदी दीदी ये दीदी सब सुनने के लिए ना मैं तरस गई हूँ अंबिका मैं तरस गई हूँ एक काम पर ये सारे पैसे रख बहुत जल्द हम सारे पैसे इकट्ठे कर लेंगे ठीक है ये सब तुम मुझे क्यों बता रहे सर हमें सिंगर की जरूरत है क्यों हम पैसे देकर उस लड़की से तो तुम चाहते हो वो सरक छाप लड़की मेरा गाना गाए राहुल बिश्वास का लिखा हुआ गाना आर यू मैड सर हमें सिंगर की जरूरत है और आपका गाना बैक टू बैक फ्लॉप हो रहा है और इसकी वजह से हमारी कंपनी को घाटा हो रहा है मेरा लिखा हुआ गाना वो दो कौड़ी की सरक छाप लड़की गाएगी नो वे सर अपनी ईगो को साइड में रखिए और कंपनी के बारे में सोचिए मिमिता मैंने कहा ना वो लड़की मेरा गाना नहीं गाएगी सर एक बार उस लड़की की आवाज तो सुन लीजिए मुझे पता है फिर आप मना नहीं करेंगे अच्छा ठीक है इतना अच्छा गाती हो तो फिर सुनी लेते हैं कहाँ पे वो तुम्हारी ढोल वाली लड़की सर यही तो थी तो कहाँ पे है फालतू में मेरा टाइम वेस्ट हो गया घर में बैठो सर दो मिनट वेट मैंने कहा घर में बैठो रुको सर जल्दी बाहर निकलिए मुझे तुमसे बात करनी है दो मिनट रुको हाँ सर जल्दी आइए ढोल वाली लड़की ये मेरे बॉस है मेरा नाम ढोल वाली लड़की नहीं है मेरा नाम राखी है हाँ वो राखी मैंने तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ हाँ बोलिए वो ना सुना है तुम गाना बहुत अच्छी गाती हो चलो मुझे गाना गा के सुना सर मैं गाना तो गा लेती हूँ पर अभी ना संध्या का वक्त हुआ है हमारा नियम है कि हम संध्या के वक्त गाना नहीं गाते समझ आते मासूमियत लुट जे गई हस
अब तो गाना गाओगे ना? पैसे को लक्ष्मी जी कहा जाता है और पैसों का अपमान नहीं किया जाता। इसका मतलब तुम गाना नहीं गाओगे? हमारा नियम है सर, हम संध्या काल में गाना नहीं गाते और हम नियम के आगे नहीं जा सकते। What the hell? राखी, तुमने अभी कहा कि पैसे को लक्ष्मी जी कहते हैं और लक्ष्मी जी का अपमान नहीं करते, पर राखी तुम भी तो अभी लक्ष्मी जी का अपमान ही कर रही हो। लक्ष्मी जी खुद तुम्हारे पास आ रहे हैं और तुम इनका अपमान कर रही हो। राखी प्लीज एक गाना सुना दो। ठीक है, मैं गाना गाने के लिए तैयार हूँ। ढोल नहीं, बस गाना गाओ। सारा जग घूम आ मैं, सारे रास्ते ढूंढ आ मैं, अपने घर का पता जाने क्यों भूल आ मैं, जिस मोड़ से मुड़ गया मैं औरों से क्यों जुड़ गया मैं, अपनों से ही खता जाने क्यों कर गया मैं। माफ मिल जाए मुझे, आंसू थम जाए मेरे, बात ये सुन ले वो खुदा के आज कोई दुआ करो मेरे लिए, के आज कोई दुआ करो मेरे लिए। सर अब बोलिए। मिमी मेरा गाना यही रिकॉर्ड करेगी। राखी ये लो, ये तुम्हारे लिए और हम तुम्हें और 5 लाख देना चाहते हैं। और 5 लाख? हाँ। मैंने आपकी बहन की सारी रिपोर्ट अच्छे से चेक कर ली है। आपकी बहन बोल सकती है लेकिन आपकी बहन के ऑपरेशन करने के लिए 5 लाख रुपए चाहिए। आपके पास है 5 लाख? 5 लाख? हाँ, पूरे 5 लाख रुपए चाहिए। आप पैसों का इंतजाम कीजिए, हम ऑपरेशन की तैयारी करते हैं। डॉक्टर साहब हमारे पास 5 लाख रुपए तो नहीं है, पर पैसों के इंतजाम होते ही मैं मेरी बहन के ऑपरेशन करवा लूँगी। बस तुम्हें हमारे लिए गाना गाना होगा। हाँ, मैं गाना गाने के लिए तैयार हूँ। अब कौन कहेगा, तू ही वजह तेरे बिना बेवजह बेकार हूँ मैं, तेरा यार हूँ मैं। ये तुम्हारी अमानत, इसमें पूरे 5 लाख रुपए है और अब से तुम हमारे कंपनी के लिए गाना गाओगी। जी अब मैं चलती हूँ। राखी अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो मुझे माफ कर देना। सॉरी। मासूमियत लुट गई। सर आपने पहली बार किसी से सॉरी बोला है। ये सब छोड़ो, तुम्हें क्या लगता है ये गाना हिट होगा?
सर सुपर हिट होगी। तू जो छोटा तो कौन रहेगा। ओह माय गॉड, आई कैन बिलीव दिस, यूट्यूब पर हमारा गाना ट्रेंडिंग पर चल रहा है। कांग्रेचुलेशन सर। निविदा राखी को कॉल लगाओ और कहो फिर से गाना रिकॉर्ड करना है, फिर से। हाँ। हेलो राखी। देखो जरा कितना हसी है फिर ये समा है ना, जीले जरा एक पल मिला जो तन्हाई का है ना, वो ही हंसना हंसाना कुछ कह के यूं शर्माना, कुछ बातें यूं ही आंखों से ही कर जाना। अच्छा लगता है ये चेहरा तकते जाना, अब आ जो गए हो तो ना फिर जाना। दीदी आपके साथ काम नहीं करना चाहता, सब वो राखी के साथ काम करना चाहती है। राखी 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 चारों तरफ से उसी के नाम चल रहे। जी मैम, पर मैम राखी की क्या किस्मत है ना, कल तक वो ढोल बजाती थी और आज वो सुपरस्टार बन चुकी है। शट अप राज। मेरे सपनों में भी हर बार तो I'm sorry, Mr. Rahul. उस दिन शायद मैंने आपको कुछ ज़्यादा ही बोल दिया। मिस शिवानी, आपने तो मुझे बोला नहीं था, आपने तो मुझे बस बाहर का दरवाज़ा दिखाया था। I'm sorry, Mr. Rahul. शायद इसी गलती की वजह से आज मेरे पास कोई काम नहीं है, और हो सके तो मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपके साथ काम करना चाहती हूँ। मिस शिवानी, सक्सेसफुल होना अच्छी बात है, पर सक्सेसफुल होके घमंड दिखाना ये बुरी बात है। आज राखी को देखो कितनी बड़ी सुपरस्टार हो गई है, पर आज भी वो वैसी है जैसे वो पहली थी। इसलिए तो मिस्टर विश्वास, राखी ढोल वाली होने के बाद भी आज सुपरस्टार है, और मैं सुपरस्टार होने के बाद भी आज मेरे पास कोई काम नहीं है। धड़के जिया।